हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रुखेश। और आज की डेट में शुरू करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा गिव अवे का अपडेट देने वाला हूँ। प्रीवियसली यहाँ पे मैं जो भी गिव अवेस रखता था उसके ऊपर आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना पड़ता था, उसके बाद मैं रैंडम कमेंट पिकर से विनर्स को सिलेक्ट करता था। लेकिन अब यहाँ पे जो भी अपकमिंग गिव अवेस आएंगे उसमें जो वो चेंजेस करने वाला हूँ। तो जो भी अब पहला एक मुझे एक आ रहा है प्रोडक्ट, उसका जो गिव अवे होगा उस वीडियो में आप जरूर से जाके देखना कि मैं वहाँ पे एक चेंज रख रहा हूँ। उसके बाद से जो भी गिव अवेस होंगे हम उसी तरीके से वो गिव अवे रखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की डेट में यहाँ पे जो शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। तो हम सभी लोगों को पता है कि MWC 2018 के अंदर Xiaomi अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो वो लॉन्च करेगा, जहां पे बताया जा रहा है कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लॉन्च होगा। तो Xiaomi के Mi Mix 2 का सक्सेसर होगा Mi Mix 2S। यहाँ पे प्रीवियसली उससे काफी सारे पिक्चर स्पेसिफिकेशन जो वो लीक हो गए थे, अब यहाँ पे एक लाइव वीडियो जो वो लीक हो गया है, जैसे कि आप ये वीडियो देखेंगे, इसके अंदर बताया जा रहा है कि आप लोग को इसके अंदर आईफोन 10 टाइप जो वो जेस्चर मिलेगा, जो नीचे की टास्क बार होता है, जैसे कि नीचे की तरफ से स्वाइप करके आप काफी सारे जो वो जेस्चर्स वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे Xiaomi का जो Mi Mix 2S का बताया जा रहा है कि उसके अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, जहां पे कैमरा जो वो राइट साइड पे जो वो स्क्रीन के जो वो शिफ्ट किया जाएगा। कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें Mi Mix 2S में देखने को मिलेगी। और अब यहां पे जो वो वीडियो भी लीक हो गया है, जो कि ऑन फोन्स के जरिए लीक किया गया है, देख लेते हैं कि यहां पे ये वीडियो कितना एक्यूरेट है। और ये तो MWC 2018 में ही पता चल जाएगा। तो Asus की तरफ से खबर है और बताया जा रहा है कि MWC 2018 के अंदर Asus अपने जो भी Zenfone 5 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा, आप लोगों को इस बार ब्यूटीफुल डिजाइन, पावरफुल स्पेसिफिकेशंस और बेटर कैमरा जो वो देखने को मिलने वाले हैं। यहां पे देखेंगे ट्विटर पे किसी यूजर ने एक पिक्चर को पोस्ट किया था, जहां पे बता दे रहे कि ये Asus के Zenfone 5 है। आप लोगों यहां पे सेम Apple iPhone 10 टाइप जो वो डिजाइन मिल रहा है, सामने की तरफ एक नॉच दिख रहा है, 18:9 का आपको जो एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है। इसको एक्चुअली जो नॉच होता है उसको लिप भी बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। कुछ इस तरीके का आपको जो डिजाइन Asus के Zenfone 5 वाले फोन में देखने को मिलेगा। अब ये कौन सा वाला फोन होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये एक कॉपी हो गया है। जब से Apple iPhone 10 आया है, बहुत सारी कंपनीज उसको रेप्लिकेट करके जो वो लेके आ रही है। तो देख लेते हैं कि खैर Asus के कौन से वाले सीरीज में हमें ये वाला डिजाइन देखने को मिलेगा और कितना जल्दी Asus के ये वाले स्मार्टफोन जो वो लॉन्च होते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो सोनी के अपकमिंग स्मार्टफोन हमें MWC 2018 में देखने को मिलने वाले थे, सोनी का XZ2 और XZ2 Pro, अब यहां पे उसके ने कुछ लास्ट मिनट में सोनी जो वो डिजाइन में चेंजेस करने वाला है। हालांकि प्रीवियसली ये एक रूमर था, लेकिन अब यहां पे कुछ ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन यहां पे ट्विटर पे एक यूजर रोलैंड क्वेंट करके उन्होंने ये बताया है कि इसके अंदर हालांकि कोई डिजाइन में चेंजेस सोनी नहीं कर रहा, बल्कि कुछ रेडियो से रिलेटेड यहां पे जो कुछ इशू है उसको यहां पे सोनी जो वो चेंज करने वाला है। यहां पे जो ये सोनी के स्मार्टफोन आने वाले, आप ये सोनी के पहले स्मार्टफोन होंगे जिसके अंदर आप लोग को 18:9 वाले डिस्प्ले जो वो देखने को मिलेंगे। साथ में रियर में डुअल फेसिंग कैमरा मिलेगा आपको, जो सोनी का पहला स्मार्टफोन होगा जो आपको रियर में डुअल कैमरा देगा। हालांकि सोनी के XA2 अल्ट्रा में आपको सेल्फी में डुअल कैमरा तो देखने को मिला ही था। देख लेते हैं कि यहां पे सोनी क्या चेंजेस करता है लास्ट मिनट के अंदर, क्योंकि MWC तो सिर्फ 10 दिन ही बचा है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि सोनी के ये वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन हमारे लिए क्या लेके आते हैं। तो यहां पे बता दे रहे कि हम सभी लोगों को इंडिया के अंदर वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो वो देखने को मिलने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये जो ट्रेन है ये हाइपरलूप 1 के नाम से आएगी, जिसके अंदर आप लोग को 1200 किलोमीटर के आसपास जो स्पीड देखने को मिलेंगी। रिसेंटली यहां पे जो बुलेट ट्रेन हमें मिलती है वो 450 किलोमीटर के आसपास उसकी स्पीड थी, ये ऑलमोस्ट डबल आपको जो उसकी स्पीड देगी। यहां पे बताया जा रहा है कि वर्जिन कंपनी है जिनके सीईओ रिचर्ड ब्रांसन है, इन्होंने यहां पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ में जो वो कुछ टाई अप किया है, जहां पे ये जो ट्रेन होगी ये मुंबई से पुणे के बीच में चलेंगी। फिलहाल के लिए यहां पे जो डिस्टेंस टाइम लगता था वो 3 घंटे का लगता था, ये जो ट्रेन है सिर्फ 20 मिनट के अंदर डिस्टेंस को जो वो खत्म कर देगी। साथ में यहां पे नवी मुंबई से होते हुए जाएगी, जो एयरपोर्ट यहां पे बनने वाला नवी मुंबई में, एक स्टॉप बीच में वो नवी मुंबई को जो वो कनेक्ट करते हुए जाएगी। 20,000 करोड़ के आसपास इसका जो वो प्रोजेक्ट है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी तो थी वो एलन मस्क की थी, 2013 के उन्होंने बैठ के जो वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा था कि कैप्सूल के अंदर भी लोग बैठ के ट्रेन के अंदर ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमें इंडिया में देखने को मिलेगी आने वाले 6 महीने के अंदर, इसके ऊपर जो वो फिजिबल स्टडी की जाएगी, उसके बाद 2019 से जो वो बनना शुरू होगा और 2022 तक का जो वो टेक्नोलॉजी पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है, हम सभी लोगों को इंडिया में जो वो देखने को मिलेगी, जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यहां पे जो वो बताई जा रही है। तो जियो की तरफ से खबर है, सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली यहां पे जियो ने फुटबॉल ऑफर लेके आया था, जहां पे आप लोग को 2,200 रुपए तक का जो वो कैशबैक मिलता है अगर आप यहां पे कोई एक नया स्मार्टफोन लेते हैं, साथ में आप नए जियो का सिम कार्ड डाल के अपना सिम कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो आपको ये वाला ऑफर मिलता है। प्लस यहां पे जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनके लिए भी ये कैशबैक जो वो अवेलेबल है। आपको 44 कैशबैक वाउचर्स मिलेंगे जो आप 50-50 रुपए के डिनोमिनेशन में मिलेंगे, आपको माई जियो के जरिए मिलेंगे। आप उसके बाद जो भी नेक्स्ट रिचार्ज करेंगे उसके ऊपर आप ये जो वो यूज कर सकते हैं। 198 रुपीज का रिचार्ज या उसके अबव का आप कोई भी रिचार्ज करते हैं, यहां पे आपको ध्यान रखना है आज
आज से लेके 31 मार्च के पहले आपको ये सारे चार्जेस करने हैं, प्लस इसकी जो वैलिडिटी होगी वो आपको मई 2022 तक का जो उसकी वैलिडिटी हो जाएगी। तो आप जाइए इसको रिचार्जेस कर लीजिए और 2200 रुपए तक आपको यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है, इसका फायदा जो वो उठा लीजिए। तो गूगल की तरफ से खबर है और बता दे रहे कि रिसेंटली यहाँ पे गूगल ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया था और ये कहा था कि गूगल का जो असिस्टेंट है फिलहाल के लिए यहाँ पे काफी लिमिटेड कंट्रीज के लिए जो वो अवेलेबल था और बहुत ही ज्यादा आपको लिमिटेड लैंग्वेज इसमें जो वो देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे बता दे रहे कि गूगल अब जो वो 30 और कंट्री के अंदर अपने गूगल असिस्टेंट को जो वो एक्सपांड कर रहा है, साथ में यहाँ पे 17 और लैंग्वेजेस के अंदर जो वो ऐड करेगा, जिसके अंदर डच होगी, अरेबिक होगी और इंडियन लैंग्वेज भी इसके अंदर जो वो ऐड होने वाली है। यानी कि गूगल अपनी रीच को ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ा रहा है अपनी गूगल असिस्टेंट के जरिए, जहां पे ऑलमोस्ट 52 कंट्रीज को वो कवर करेगा और भी नए लैंग्वेजेस के अंदर जो वो ऐड करेगा। तो देख लेते हैं कि यहां पे गूगल कितना जल्दी यहां पे दूसरी कंट्रीज में पहुंचता है और इंडिया के अंदर कितनी कितनी और नई लैंग्वेज हमें जो वो देखने को मिलती है। साथ में यहां पे एक और खबर है और बता दे रहे कि गूगल की एप्लीकेशन का यहां पे 7.21 करके एक वर्जन आने वाला, जो कि फिलहाल के लिए जो वो एक बेटा मोड के अंदर है। अब यहां पे आप लोगों को जो भी स्क्रीनशॉट आप प्रीवियसली लेते थे गूगल ऐप के जरिए, अब इसके अंदर आप डायरेक्टली उसको जो वो एडिट कर सकते हैं और डायरेक्टली उसके ऊपर कुछ भी चीजें करके उसको जो वो शेयर भी कर सकते हैं। जी हां, यहां पे प्रीवियसली आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब ये ऑफिशियली एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ बेटा यूजर्स को अवेलेबल है। 7.21 ये वर्जन है, आप डायरेक्टली कोई भी स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हैं, उसके बाद उसको एडिट कर सकते हैं और फिर उसको जो वो शेयर भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है और हम सभी लोगों को बताया कि रिसेंटली यहां पे व्हाट्सएप ने एक अपडेट लेके आया था डिलीट फॉर एवरीवन करके। अगर आप किसी को भी मैसेज सेंड करते और 7 मिनट के अंदर इसको जो वो डिलीट कर देते थे तो सामने वाला पर्सन वो आपका टेक्स्ट जो वो रीड नहीं कर सकता था, लेकिन अगर आप यही टेक्स्ट ग्रुप में करते और 7 मिनट के अंदर डिलीट नहीं करते और उसके पहले उसको कोई टैग कर देता है ग्रुप के अंदर, तो वो टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा और वो टैग के जरिए जो वो पूरे ग्रुप में जो वो घूमता रहेगा। हालांकि यहां पे काफी यूजर इस चीज से नाराज थे, लेकिन ऑफिशियली व्हाट्सएप ने इसको क्लियर कर दिया और कहा है कि ये कोई बग नहीं है बल्कि ये ऑफिशियल है, क्योंकि अगर आप 7 मिनट के अंदर उसको डिलीट नहीं करते और उससे पहले कोई टैग कर देता है तो ऑब्वियसली वो ग्रुप के अंदर जो वो घूमता रहेगा। तो याद रखिए, अगर आप कोई ग्रुप में टैग करते हैं उसको, यानी कि उसको डिलीट करने 7 मिनट के अंदर डिलीट नहीं करते, अगर वो टैग भी हो जाता है तो फाइनली आपका वो टैग जो वो पूरे ग्रुप में जो वो घूमता रहेगा। तो यहां पे बिल गेट्स ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो $90 बिलियन के मालिक है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक उन्होंने जो वो $10 बिलियन के आसपास जो वो टैक्स को भरा है और लगभग से $40 बिलियन के आसपास उन्होंने जो वो चैरिटी में दिया था। ये एक ऐसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो बहुत ही ज्यादा दान करते हैं, जो बहुत ही इमोशनल है और हर जगह पे वो गरीबों के बारे में जो वो ज्यादा सोचते हैं। मुझे भी पर्सनली बिल गेट्स काफी पसंद है। अब यहां पे उन्होंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी जहां पे वो रहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मुझसे ज्यादा टैक्स ले सकती है और जितने भी जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है इनसे ज्यादा टैक्स जो वो लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा टैक्स भरेंगे तो शायद से यहां पे दूसरे का भी जो वो फायदा हो जाएगा। यानी कि उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनसे जो वो कम टैक्स लिया जाए और हम जैसे रिचेस्ट लोग से जो वो ज्यादा टैक्स दिया जाए। ये बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही गट्स की बात है कि कोई रिचेस्ट पर्सन यहां पे उन्होंने ऐसा कहा कि गवर्नमेंट हमसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। तो बिल गेट्स को इस चीज के लिए सैल्यूट है और देख लेते हैं कि दूसरे रिचेस्ट पर्सन का यहां पे जो वो क्या कहना है। तो हुआवे की तरफ से खबर है और बता दे रहे कि हुआवे के जो अपकमिंग स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाले, हुआवे की पी सीरीज होगी, हुआवे P20, P20 Lite, P20 Pro Plus जो भी होगा, यहां पे जो वो ऑनलीक्स और टाइगर मोबाइल्स ने इनके कुछ रेंडर्स जो वो बनाए हैं, जहां पे आप देखेंगे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोन मिल रहा है और पीछे की तरफ आपको यहां पे 3 कैमरा जो वो देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि 2 कैमरा आपको जो वो साथ में देखने को मिल रहा है और पीछे की नीचे की तरफ आपको एक और सेपरेट कैमरा जो वो देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह की उन्होंने जो वो रेंडर्स बनाई है, क्योंकि हुआवे का और वर्ल्ड का ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो रियर साइड में आपको एक साथ जो वो 3 कैमरा देखने को देने वाला है। देख लेते हैं कि 27 मार्च को जो पेरिस में हुआवे के इवेंट हो गए, क्या क्या चीज हमारे लिए हुआवे इस बार जो वो लेके आता है। तो HMD की तरफ से खबर है और बता दे रहे कि काफी सारे स्मार्टफोन्स HMD अपने नोकिया के जो MWC 2018 में अनाउंस करेगा, लेकिन यहाँ पे अब एक और खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि नोकिया 8 का सक्सेसर में जो वो देखने को मिल सकता है, जो कि नोकिया 8 प्रो के नाम से जो वो आने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे कुछ स्केच जो वो लीक तो क्या है, आप देखेंगे आपको पीछे की तरफ एक पेंटा लेंस दिखाई दे रहा है जहां पे आप लोगों को कुछ कैमरा सेंसर्स और यहाँ पे इस तरीके की कुछ डिजाइन जो वो होने वाली है। नोकिया 8 प्रो के अंदर आप लोग को जो 18:9 वाली डिस्प्ले मिलेगी, बहुत ही बेटर आपको स्पेसिफिकेशंस और कैमरे पे स्पेशली यहाँ पे इस फोन में जो ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पे काफी सारे लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं कि बहुत फोन आने वाले नोकिया के, देख लेते हैं यहाँ पे MWC 2018 में HMD हमारे लिए इस बार जो वो क्या लेके आता है। तो रिसेंटली यहाँ पे नासा ने मार्स की कुछ लेटेस्ट पिक्चर जो वो लीक करी है उनके रोवर के द्वारा, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी, जो मार्स पे यहाँ पे घूम रहा है। लगभग से अभी तक का 225,000 के आसपास जो पिक्चर्स उसने वहां से शेयर करी है, लगभग से उसको मार्स पे 5,000 दिन जो उसने वहां पे बिताए। ये इंडिया यानी कि अर्थ का टाइम नहीं बल्कि ये मार्स का टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे उन्होंने अब एक रिसेंट पिक्चर लीक करी है, जहां पे आप देखेंगे बहुत ही कलरफुल पिक्चर आपको दिख रही है, जहां पे आप लोग को छोटे छोटे स्टोन्स के यहाँ पे जो वो स्मजेस नजर आ रहे हैं मार्स में। यानी कि नासा का ये कहना है कि ये जो स्टोन्स के स्मजेस नजर आ रहे हैं और पहाड़ को उन्होंने थोड़ा सा जो एक इन्वेस्टिगेशन किया, इससे पता चल रहा है कि मार्स पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि पानी हो सकता है। अगर वहां पे पानी होता है तो नासा से कहते हैं कि शायद से वहां पे लाइफ भी जो वो हो सकती है। अब तक यहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स आई है, कहीं पे भी लाइफ तो नजर नहीं आई थी, लेकिन नासा बहुत मेहनत कर रहा है अपनी रिसर्च के अंदर और यहाँ पे ऐसे भी कुछ पिक्चर्स आई जिसमें बताया
तरह के पानी हो सकता है और नासा यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है कि वहाँ पे लाइफ भी हो सकती है। तो आईडिया ने यहाँ पे अपने एक नए प्लान को जो वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहाँ पे आप लोग को 109 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा, 14 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी, 1 GB की आपको डेटा मिलेगी, आपको अनलिमिटेड कॉल्स SMS वगैरह जो देखने को मिलेंगे। अब ये सारा जो जियो खेल करता है उसके पीछे ये सारी कंपनी जो वो लगी हुई है। प्रीवियसली यहाँ पे आईडिया ने तो अपने 93 वाला पैक तो लॉन्च किया ही था, जिसके अंदर आप लोग को 10 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन ये वाले में आपको 14 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा वाला रिचार्ज यहाँ पे जाके करते हैं। LG की तरफ से खबर है और बता दे रहे कि यहाँ पे अपकमिंग LG जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है वो LG G7 नहीं बल्कि LG GUD के नाम से जो वो देखने को मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे LG ने ये कहा कि वो MWC 2018 में अपने कोई स्मार्टफोन तो लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे वो वक्त लेके कुछ अच्छा टाइम में वो अपने कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जो LG GUD के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर भी आप लोग को सेम 18:9 वाले डिस्प्ले जो वो देखने को मिलेंगी, आपको बहुत ही प्रीमियम डिजाइन मिलेगी और बहुत ही बेटर कैमरा देखने को मिलेगा और स्नैपड्रैगन का 845 वाला आपके अंदर जो चिप मिलेगा। जी हाँ, LG ने यहाँ पे ये कहा कि हम मार्केट से बाहर नहीं गए बल्कि हम अपने वक्त पे अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेंगे जिसकी स्पेसिफिकेशंस काफी भारी होंगी। बस यही उम्मीद करते हैं कि LG प्राइसिंग अच्छी रख दे क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे काफी बड़ा है। तो देख लेते हैं कि LG का अपकमिंग फ्लैगशिप जो रूमर है कि LG GUD है हमें कितना जल्दी जो वो देखने को मिलता है। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।